इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कप का मेजरमेंट जो मैंने लिया है वो है 200 ml का कप। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हमें डालना है मेजर करके 2 कप फुल फैट क्रीम। आप पैकेट वाला दूध ले सकते हैं या फिर भैंस का दूध ले सकते हैं। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, तो वो अगर प्योर मिलता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, पानी मिला हो तो उससे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है 2 कप दूध। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। यहाँ मैंने पाउडर शुगर नहीं, साबुत चीनी ली है। चीनी के बाद 1/4 कप इसमें हम डालेंगे पाउडर, मिल्क पाउडर। ये इसलिए डाला है ताकि हमारा दूध जो है उसको हमें हल्का सा गाढ़ा करना है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे पहले। कई बार ऐसा होता है कि मिल्क पाउडर गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें थोड़े से लम्स आ जाते हैं, तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसको गैस पे रखेंगे गर्म होने के लिए। तो अब हम हमारी कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखी है और दूध को हमें अच्छा एक बार उबाल आने तक उबाल लेना है। इसमें जो हमने चीनी डाली है वो भी पिघल जाएगी। आप इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं और साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। इसको हल्का बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो मिल्क पाउडर हमें डाला है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, उसके लम्ब्स ना बने। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें अब उबाल आने लगा है। गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रखी है। तो ये देखिए, जब दूध इस तरीके से आपका उबल जाए तो इसको आप 2 से 3 मिनट और उबालें हाई फ्लेम पे ही। बीच बीच में इसको चलाते रहे ताकि दूध जो हमारे साइड में लग रहा है बर्तन के उसको भी इस तरीके से समेट ले। तो यहाँ पे इसको उबालते हुए 2 मिनट हो गए। इसको हमें जला जला के दूध को आधा नहीं करना है, उबलने के बाद बस 2 से 3 मिनट इसको उबालना है। तो अब गैस की फ्लेम मैं कर रही हूँ बंद और इस बर्तन को कढ़ाई के साथ ही मैं रखने वाली हूँ फैन के नीचे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हम जो तैयारी करने वाले हैं उसमें हमें लगेगा 1 बाउल और ये व्हिप क्रीम। एक कप मैंने यहाँ पे लिया है मेल्टेड व्हिप क्रीम। इसका मेजर भी 200 ml का जो मेरा 1 कप था उसी के मेजर से है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसको हमें फेंटना है। तो यहाँ पे मैं 2nd और 3rd की स्पीड पे इस क्रीम को फेंट रही हूँ, व्हिप क्रीम को। जिनको नहीं पता है, ये क्रीम जो है वो फ्रीज़र में रहती है तो इसकी क्रीम बहुत जमी रहती है। जब आपको यूज़ करना हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे पहले आप उसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें ताकि वो मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में हो जाए। और उसके बाद हमें इसे ठंडा यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर पिघला लें और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको फेंटे, तो ये फिटेगा नहीं। क्रीम को हमें तब तक फेंटना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जैसे हम केक की क्रीम लगाते हैं उतना गाढ़ा हमें नहीं करना है कि एकदम जमा जमा हो, पर ये थोड़ा सा देखिए जिस तरीके से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे इसको फेंट के। तो ये देखिए हमारी क्रीम
गाढ़ी भी हो गई है, पर वो उतना केक जितनी भी थिक नहीं हुई है। अब मैं हमारा दूध वाली जो पैन थी हमारी उसको लेके आती हूँ, अगर वो ठंडी हो गई होगी तो, क्योंकि तो यहाँ हमारा जो दूध है वो भी ठंडा हो चुका है। इस दूध को अब हम मिक्स करेंगे इस क्रीम वाले बाउल में। आप जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर का एसेंस आप इसमें मिला सकते हैं। यहाँ मैं वेनिला बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस, ये जो ओसरो का फ्रेंच वेनिला फ्लेवर है ये बहुत ही टेस्टी है, तो मैं ज़्यादातर अपने वेनिला केक या फिर किसी भी चीज़ के लिए यही फ्लेवर यूज़ करती हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब इसको हमें क्रीम के साथ एक बार फेंट लेना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं अभी ये इस तरीके से अलग अलग है। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर जो है वेनिला एसेंस का वो बनके तैयार है। पर मैं इस रेसिपी में आपको दो टाइप की आइसक्रीम बता रही हूँ, एक वेनिला फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर। तो इसको हम बांटेंगे दो पार्ट में। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमको इसी तरीके से हल्के इस लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ गाढ़ा नहीं चाहिए। आधी रेसिपी मैं इस बाउल में डालने वाली हूँ। अब आप चाहे तो इसको इस तरीके से प्लेन वेनिला फ्लेवर ही रखें, या फिर आप इसमें अपनी पसंद की टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो एक फ्लेवर हमारा हो गया है रेडी, अब हम करेंगे दूसरे फ्लेवर की तैयारी। जो भी डब्बा ले आप आइसक्रीम जमाने के लिए वो अच्छा एयर टाइट डब्बा हो। ये भी प्लास्टिक का है पर ये बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है ये बाउल, इसमें हम मिलाएंगे मैंगो प्योरी। अब यहाँ पे मैंने आम की जो प्योरी है ये हाफ कप है मेरा मेजरमेंट का, पर ये मैंने पूरा फुल भर के नहीं लिया है। पर अगर मैं इसका हाफ 1/4 लेती तो वो थोड़ी सी कम हो जाता फ्लेवर टेस्ट में। तो यहाँ मैंने 1/3 कप आप ले सकते हैं। और इसको मैंने इस तरीके से पीसा है कि इसमें कुछ मैंगो के पीसेस भी हैं और कुछ इसमें हो गया है पेस्ट। थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे हम येलो कलर। तो ये देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम भी अब तैयार है, इसको अब हम रखेंगे जमने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगो प्यूरी ना डालें, वरना उससे आपके आइसक्रीम में आइस के जो क्रिस्टल है वो थोड़े से ज़्यादा जमने लगेंगे। आप चाहें तो ये एक रेसिपी बनाएं और चाहें तो अलग अलग फ्लेवर करके इसमें आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये बाउल भी रेडी है। इसको अब कम से कम 7 से 8 घंटे हमें जमने के लिए रखना है। ऐसा नहीं करना है इसमें कि 2 से 3 घंटे बाद आपको इसे दोबारा फेंटना पड़ेगा। अब आपको इसकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फ्रीज़र में रखें 7 से 8 घंटा और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी जमी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 से 10 घंटे आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है और अब मैं इसको दिखाने वाली हूँ आपको।
तो यहाँ सबसे पहले मैं निकालूंगी हमारी मैंगो आइसक्रीम। गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये वाली आइसक्रीम तो देखिए किचन में लाते ही अपना मेल्ट हो गई, क्योंकि मेरा किचन अभी खाना बना था और एकदम गरम गरम माहौल है मेरे किचन का। तो ये आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम जम के तैयार है। अब आप मैंगो फ्लेवर और वेनिला फ्लेवर दोनों ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी, और ज़रूर एक बार ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।